In a big win for the protesting wrestlers, the Delhi High Court has called for the restoration of the WFI ad hoc committee to manage the affairs of the wrestling body. This means that the federation, which was being headed by former WFI chief Brijbhushan Singh's aide, Sanjay Singh, has now been disbanded. The order was passed on the plea filed by Bajrang Punia, Vinesh Phogat, Sakshi Malik and others, who urged the High Court to declare the December 2023 WFI elections, which Sanjay Singh had won, as illegal. Just to put things in context, on the 4th of March, the ad hoc committee formed by the IOA to oversee the wrestling operations was dissolved after global wrestling body WW lifted the suspension on WFI. All right, joining me on the broadcast is Kripa Shankar. He is a wrestler and a coach and an Arjuna awardee. Kripa Shankar ji, namaskar. Dhanyavad hamare saath judne ke liye Mirror Now par. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कृपा शंकर जी, आप कैसे देखते हैं जो आज हाई कोर्ट ने बोला है कि WFI डिसबैंड होना चाहिए और एडहॉक कमेटी वापस आनी चाहिए? देखिए, एडहॉक कमेटी का हमने काम देख रखा है कि जो आईओए ने गठित करी थी पहले भी, उसका काम इतना अच्छा नहीं था और वो कुश्ती के लोग नहीं है जो एडहॉक कमेटी में जो मेन लोग बनते हैं, उनके उनके काम करने के तरीके भी अलग होते हैं। वो एक तरह से यस मैन होते हैं और कुश्ती जैसे पहले कुश्ती का शोषण हो रहा था ओलंपिक के पहले, ऐसा ही शोषण बरकरार रहेगा। मैं समझता हूँ एडॉक कमेटी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आईओए एडॉक कमेटी गठित करेगी, भूपेंद्र सिंह बाजवा जी का नाम दिया था और वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी कुश्ती का नुकसान ही होगा एडॉक कमेटी गठित करने से। उनका एक अतिरिक्त काम हो जाएगा, यानी कि वो कुश्ती का काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे। भारतीय कुश्ती संघ जो है ना, वो शुद्ध रूप से कुश्ती का ही काम करते हैं, उनके पास और दूसरा काम नहीं होता है। अगर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास काम देंगे तो वो बहुत सारे गेम है उनके पास में, आईओए को देंगे तो उनके पास बहुत सारे खेल हैं। तो एक अतिरिक्त काम होने से कुश्ती का नुकसान होगा। तो अब क्या डिमांड रहेगी कृपा शंकर जी, अगर एडहॉक कमेटी नहीं तो फिर कौन? देखिए, एडहॉक कमेटी बनाए बेशक भारतीय कुश्ती संघ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि अनियमितताएं हो रही है तो उन भूतपूर्व पहलवानों को एकत्रित करना चाहिए जो दोनों गुट जो कोर्ट में गए हैं और जिनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं, उन दोनों गुटों के जो नजदीकी लोग हैं, जो भूतपूर्व पहलवान है, जो दोनों अपनी पेट रखते हैं, जो दोनों की बात सुन के और संचालित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कमेटी में लाना चाहिए, ना कि भूपेंद्र सिंह बाजवा जो वुशु के अध्यक्ष है, एक बिजनेसमैन है, कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने पीछे कार्यकाल में जब एडॉक कमेटी गठित की थी और उनका जो कार्य देखा था, पूरे देश में बड़ी आलोचना हुई थी। तो आप एडॉक कमेटी बनाए, लेकिन आप देखकर बनाए, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि आईओए एडॉक कमेटी गठित करेगी, क्योंकि एडॉक कमेटी को भंग भी उन्होंने आईओसी के कैसे किया था, जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू को शिकायत की तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने आईओसी को कंप्लेंट की और आईओसी ने बोला कि आप भारतीय कुश्ती संघ के काम में दखल ना दे, एडॉक कमेटी को इमीडिएटली आप हटाएं, नहीं तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। अब मुझे लगता नहीं है कि आईओए ऐसा रिक्स दोबारा उठाएगी। जी कृपा शंकर जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, अपने व्यूअर्स को पहले वो बता देते हैं। व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन इज द फैक्ट दैट द WFI हैज बीन डिस्बैंडेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट हैज सेड रिस्टोर द आईओए एडहॉक कमिटी मैंडेट। The WFI is now all set to challenge the High Court's order, saying the wrestlers' participation in the championships is in danger and the order will jeopardize the participation at a global level. Earlier, remember, the IOA had dissolved the ad hoc committee. The High Court had earlier reserved the order on the 24th of May. That's the latest that's coming in. WFI is now all set to challenge the High Court order today. Let me go back to my guests on the show. Kripa Shankar ji, अब ये न्यूज आ रही है कि WFI इस कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से रेसलर्स की पार्टिसिपेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इससे इंपैक्ट होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि एडॉक कमेटी अगर कोई टीम चयनित करती है तो UWW एडॉक कमेटी को नहीं जानता, UWW WFI को जानता है
और उसमें एक व्यवस्था बना रखी है एथीना, जी एथीना के थ्रू ही एंट्री भेजी जाती है, जिसका एक पासवर्ड होता है, और UWW की प्रॉपर्टी है वो पासवर्ड भारतीय कुश्ती संघ को दे रखा है, और भारतीय कुश्ती संघ को अधिकार है कि वो टीमों का चयन करें और चयनित टीम को आगे भेजें, यानी उनके नाम आगे भेजें। तो UWW जब एंट्री नहीं देगा एडॉक कमेटी को, अभी भी ओलंपिक में जो नाम भेजे गए हैं वो भारतीय कुश्ती संघ ने ही ये को भेजे हैं भाई। भारतीय कुश्ती ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन हटाया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स ने जरूर, भारत सरकार ने अभी निलंबित कर रखा, लेकिन उनका हस्तक्षेप इसमें होना ही नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सारी पॉलिटिक्स है, क्योंकि आज इलेक्शन तय हुए हैं हरियाणा के 1 अक्टूबर से, तो कुश्ती का शोषण सरकार करना बंद करे, कुश्ती को अपने हाल पे छोड़े, कुश्ती बेहतर प्रदर्शन करेगी। आपको अगर फेडरेशन नहीं चाहिए तो आप बदल दो, आप इलेक्शन कराओ, आप महिलाओं को, हालांकि अनियमितताएं बहुत हुई है भारतीय कुश्ती संघ में, महिलाओं को मौका नहीं दिया गया है, महिलाओं को इलेक्शन में शामिल नहीं किया, स्पोर्ट्स कोड को लागू नहीं किया गया है, बहुत सारी सेक्सुअल महिलाओं हरेसमेंट की बात जो कर रहे हैं, मुझे कमेटी है उसका विनेश गठन नहीं फोगाट की भी किया। आपसे बात करनी है। इस विनेश फोगाट की जो कैटेगरी चेंज हुई थी उसके ऊपर भी WFI की आलोचना हो रही थी कि उनकी वजह से वो 53 to 50 में आई, क्योंकि आगे के चैलेंजेस में उसको बोला गया कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइट कीजिए। उसके ऊपर भी आलोचना हो रही है विनेश के केस में। भारतीय कुश्ती संघ का उस समय कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो एडॉक कमेटी गठित थी ना, सारा काम तो IOA द्वारा गठित कमेटी भूपेंद्र सिंह बाजवा जी देख रहे थे, उनको कुश्ती का नॉलेज ही नहीं है, तो वो सारा ट्रायल प्रोसेस कराया उन्होंने ना। भारतीय कुश्ती संघ तो निलंबित थी उस समय, उन्होंने तो जी कोई जी चयन स्पर्धा कराई नहीं, उनके तो जी स्पर्धाएं हो रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई थी, तो वो तो बाहर थे ना। तो एडॉक कमेटी ने गठित किया है, और विनेश फोगाट को 50 किलो लाने पे मजबूर किसने किया? एडॉक कमेटी ने, जो कि नियमों के जानकार नहीं लोग हैं। तो एडॉक कमेटी आने से कुश्ती के अंदर अराजकता फैलेगी, कुश्ती का नुकसान होगा, भला नहीं होने वाला। जी जी कृपा शंकर जी, बी लीव इट देयर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मिरर नाउ पे, और अपने थॉट्स, अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ साझा करने के लिए। ऑलराइट व्यूअर्स, लेट्स